इलेक्शन कमीशन के फैसले से गेम उल्टी पड़ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई। हामिद मीर ने जमीनी हकायक बताकर सबको हैरान कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अपने ओहदे का हल्फ उठाया और उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी के कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। हामिद मीर ने कहा कि ये 4-1 से फैसला आया है और अक्सरियती फैसला ये है कि जो दीगर बड़ी जमातें असेंबली में हैं उनमें ये मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी जाएंगी, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर अदालती चारा जोई करने का ऐलान किया है। हामिद मीर ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ ने वजीर आजम मुंतखब होने के बाद एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने एक बहुत अहम ऑफर की थी और कहा था कि मैं अपोजिशन को मिसाक मईशत के साथ साथ मिसाक मुफाहमत की भी दावत देता हूं। आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान की किस्मत संवारें। हामिद मीर ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बात तो बहुत अच्छी की है, पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं उनको देखा जाए तो सवाल पैदा होता है ये मुफाहमत कैसे पैदा होगी, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया उसके बाद सेनेट में तकरीर करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला देकर आयन की खिलाफ वर्जी की है और उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और जब तक सुप्रीम कोर्ट इन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं करेगा तब तक सदारती इंतखाबात और सेनेट के इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो सकते। हामिद मीर ने कहा कि ये बैरिस्टर अली जफर का मौकफ है, लेकिन एक सवाल तो उन्होंने पैदा कर दिया है कि जब तक अदालत फैसला नहीं करती तो क्या सदारती इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़े होगा।